महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के काउंटडाउन का वक्त अब शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और इसके साथ साथ अजीत पवार की एनसीपी, तीनों पार्टियां यहां पर मिलकर चुनाव लड़ने के दावे तो कर रही हैं, लेकिन क्या तीनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति बनती हुई नजर आएगी? क्या तीनों राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ सहमति के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी इन सहयोगी दलों को साध पाएगी? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार गुट के विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा और इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे के सांसदों के द्वारा और विधायकों द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आगामी वक्त में एक बड़ा गले की फांस बनते हुए नजर आ सकती है। जी हाँ, आज महाराष्ट्र की पूरी यहाँ पर सियासी पटकथा पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से 10 सालों तक तमाम वायदे करने के बाद भी बीजेपी को उस मुहाने पर क्यों खड़ा होना पड़ रहा है जहां से उसे सहयोगियों के दम पर सरकार चलानी पड़ रही है और आगामी वक्त में देवेंद्र फडणवीस की राजनीति यहाँ से खतरे में दिखाई दे रही है। जी हाँ, इससे पहले जरा एक छोटी सी यहाँ पर जो चर्चा कर लेते हैं लोकसभा के चुनाव पर। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में आने वाली 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की, 29 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन करके महाराष्ट्र विधान लोकसभा में इस वक्त मौजूद है। दूसरी तरफ बात करें तो एनसीपी अजीत पवार गुट, जिन्होंने शरद पवार से बगावत करके सरकार में शामिल होने का फैसला किया था, महज एक लोकसभा सीट जीत पाए हैं। एनसीपी यहां शरद पवार गुट को जिस तरीके से 8 सीटों पर जीत नसीब हुई है, उससे शरद गुट की तरफ यहां पर अजीत पवार गुट के यहां तमाम सांसदों और पूर्व विधायकों का भी एक रुख देखने को मिल रहा है। इससे आगे चले तो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। यानी कि यदि यहाँ से पूरा सियासी समीकरण देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस का जो डोमिनेंस महाराष्ट्र में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर करीब 30 सीटें यहाँ पर जीतने में कामयाब होते हुए नजर आए हैं, ऐसे में आने वाले वक्त में क्या भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर के ऊपर सियासी हाशिए पर जाती हुई नजर आएगी? इस पर मराठा आरक्षण को लेकर भी एक बड़ा खुलासा आज करने वाले। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण यहां महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए गले की फांस बन चुका है। मराठा आरक्षण की लंबे वक्त से मांग कर रहे समाज सेवी मनोज जारंगे पाटिल ने 13 अगस्त 2024 तक यहां मराठा आरक्षण को लेकर के एक कानून बनाए जाने की डेडलाइन महाराष्ट्र सरकार को दे दी है और देवेंद्र फडणवीस को मनोज जारंगे निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है और इसके साथ साथ बीजेपी के सांसद ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिन्होंने खुद ये कहा है कि आगामी वक्त बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान यहां महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, बीजेपी सांसद भगवत कराड़ ने ये बयान दिया है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की जो मांग लंबे वक्त से उठाई जा रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ सोच विचार करना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे को कुछ सोच विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर मराठा समुदाय से आते हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं मराठा समुदाय का वोट बैंक जो है वो निर्णायक भूमिका में है, उसको साधने का प्रयास करना चाहिए और उस आरक्षण की मांग जो उठाई जा रही है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर कानूनी अमली जमा पहनाया जाना चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग की आबादी और मराठा वर्ग की जो आबादी है, यही आबादी महाराष्ट्र में निर्णायक भूमिका में है। मराठा वर्ग की आबादी ओबीसी वर्ग की आबादी से करीब 10% अधिक है, ऐसे में यहां पर लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर के और उस आरक्षण से कटौती करने की बात देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, तमाम नेता करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में पृथ्वीराज चव्हाण जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते थे, उस दौरान उन्होंने मराठाओं के लिए 16% आरक्षण सरकारी शिक्षण संस्थानों और इसके साथ साथ सरकारी नौकरियों में
देने का एक प्रावधान बनाया, एक नियम बनाया, एक अधिनियम लेकर के आए, और उस अधिनियम को यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। झटका उस वक्त की पृथ्वीराज चौहान की सरकार को लगा वर्ष 2014 में। उसके बाद वर्ष 2016 में वर्ष 2018 में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक यहाँ पर बड़ा फैसला लेने का प्रयास किया। उन्होंने फिर से यहाँ एक विशेष अधिनियम लाकर के मराठाओं को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण देने की यहाँ कहीं ना कहीं पेशकश कर दी। विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन प्रस्ताव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को डिट्टो रखते हुए यहाँ पर फिर से मराठा आरक्षण को गैर संवैधानिक बता दिया, और इस आधार पर बताया कि आरक्षण की सीमा 51% से अधिक नहीं हो सकती है। ऐसे में आगामी वक्त में यहाँ पर राजनीतिक जो सियासी सरगर्मियाँ तेज हो रही हैं, उन सियासी सरगर्मियों को देखते हुए लगातार चर्चाएं जारी है कि महाराष्ट्र में यदि विधानसभा के चुनाव जीतने हैं तो मराठाओं की आवाज़ को सुनना होगा। एकनाथ शिंदे खुद मराठा समुदाय से आते हैं। मराठा समुदाय की आबादी यदि महाराष्ट्र में देखा जाए तो 30.32% है, जबकि ओबीसी वर्ग की आबादी 40% है। इसके साथ साथ जिस तरीके से महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से 80 से 90 सीटों पर मराठा वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। यानी कि भाजपा भी नहीं चाहेगी, एकनाथ शिंदे भी नहीं चाहेंगे, अजित पवार भी नहीं चाहेंगे, और इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पर खुद उद्धव ठाकरे भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ से मराठाओं का जो वोट बैंक है वो प्रभावित होता हुआ नजर आए। बल्कि यहाँ पर कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार की एनसीपी और इसके साथ साथ यहाँ पर उद्धव ठाकरे, ये साधने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से अब तक कुल 12 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी कि मराठा वोट बैंक जो है वो निर्णायक भूमिका में रहता है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हम ज़्यादा वक्त तक देखते हैं कि एक दल की सरकार न बनकर कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकारें ही बनती आई हैं, और ऐसे में महाराष्ट्र में 12 ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिनका संबंध ताल्लुक सीधे मराठा समुदाय से रहा है। अब ओबीसी आरक्षण में कटौती को लेकर के यहाँ जो है सियासी सरगर्मियाँ तेज होती जा रही हैं। एक वक्त पर संयुक्त एनसीपी के नेता रहने वाले और वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार से मुलाकात करने के बाद छगन भुजबल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि ओबीसी वोट बैंक में कटौती की गई तो ओबीसी वोट बैंक की शर्तों के आधार पर यहाँ महाराष्ट्र में मराठा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, और यदि ओबीसी वोट बैंक में यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंधमारी करने का प्रयास किया, आरक्षण को यदि काटा गया, तो फिर महाराष्ट्र में एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। पिछले दिनों आपने देखा था कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस पर महाराष्ट्र सरकार में पूर्व गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने जो आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे और अजीत पवार के खिलाफ एफिडेविट देने को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से उद्धव सरकार में के गृह मंत्री रहे महाराष्ट्र में अनिल देशमुख को जो ऑफर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिया गया, वो ऑफर यहाँ पर सरकार की खरीद फरोख्त करने को लेकर था। यानी कि तमाम सियासी बिसात बिछा करके देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में विपक्ष यहां पर घेरने की तैयारियां कर रहा है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की कई बैठकें हो चुकी हैं, संयुक्त साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें ये भी कहते हुए नजर आए कि आगामी वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी परिवर्तन करने के लिए इंडिया अलायंस बिल्कुल तैयार है, और एक दूसरे के साथ मिलकर के आपसी सहयोग के दम पर ही महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन किया जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News।